दोस्तों, जयपुर में जब कोई मंत्री आता है तो ऐसे एक रास्ते को जाम कर दिया जाता है। एक साइड से बिल्कुल रस्सियां बांध दी जाती है, या रस्सियां बांध दिए और पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं आगे। एक भी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जाता है, कोई भी बच्चे बच्चे को भी नहीं जाने देता। देखो, ये बच्चे लड़के जाना चाह रहे थे उधर, लेकिन इनको भी नहीं जाने दिया। और अभी इधर से आएगा कोई मंत्री, सिर्फ मंत्री के लिए। अब कितने भी टाइम लग सकता है इसमें, लगभग 10 मिनट हो गई, काफ़ी लंबा जाम लग चुका है दूर तक। और कितना भी टाइम लग सकता है, 10-15 मिनट, 15 मिनट के में आ जाते हैं वो। और अभी आए नहीं हैं, लाइट भी बंद करवा रहे हैं, गाड़ी की लाइट भी। अब पुलिस इधर से आ रही है, सामने वाला रास्ते में जो भी मंत्री है, कोई भी है, वो अभी इससे जा रहा है। ये पुलिस की गाड़ियाँ आ गई और इधर का ट्रैफिक बंद है। लेकिन सही बात तो यह है कि जिस रास्ते से मंत्री आ रहा था, उस रास्ते से साधन पूरी तरह से बंद नहीं थे उससे, लेकिन अब बंद कर दिए साधन को। सिर्फ अब एक मंत्री की गाड़ी आ रही है, ये देखिए, ये इसके आगे एक गाड़ी और निकल गई और गाड़ियां अब आएगी, जो कि अब धीरे धीरे साधन आ रहे हैं। और मंत्री की गाड़ी भी ट्रैफिक में फंसी हुई है। जिस रास्ते से मंत्री आ रहा था उसका ट्रैफिक बंद नहीं किया गया। अब क्या पता अब कर सकते हैं, अभी मंत्री आया नहीं है, सिर्फ पुलिस की 3 गाड़ियां निकली है आगे। और अभी तक पुलिस ट्रैफिक को खाली करवाने में लगी हुई है और पुलिस की गाड़ियां आ रही है। अब मंत्री तो पता नहीं है कौन सा है, लेकिन मंत्री कोई सा भी आता है, जब ऐसे ही ट्रैफिक खाली किया जाता है। अब आएगी मंत्री की गाड़ी, आती है उसके आगे 15 गाड़ी पुलिस की, सायरन बजा रही है। अब ये गई है पुलिस की गाड़ी स्पीड में, इधर से आएगी। कितनी गाड़ियां पुलिस की, कितनी गाड़ियां निकल गई है। और सामने एक पुलिस की गाड़ी की बत्ती सायरन लगा के आ रही है। और अब इसका रास्ता भी पूरी तरह से आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया। और ये पुलिस की गाड़ी, ये लास्ट की गाड़ी आती है, ये पीछे निर्देश देती रहती है, रास्ता पूरा क्लियर है, अब मंत्री जी को ले आओ। अब मंत्री जी की गाड़ी आएगी, अब कोई साधन पीछे, आम पब्लिक, आम आदमी कोई भी नहीं है, अब सिर्फ मंत्री जी आएंगे। और शाम के अभी 8 बज रहे हैं और पूरी तरह फुल ट्रैफिक रहता है, लेकिन ट्रैफिक की मंत्री जी को कोई परवाह नहीं है। मंत्री जी तो आएंगे, जो भी प्रोग्राम, शादी प्रोग्राम अटेंड करेंगे वो जाएंगे। आम पब्लिक कितनी भी परेशानी में हो तो वो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अरे अगली बार मोदी सरकार, ठीक है, चलो जाके चेक कर तो। अरे मोदी से जाना, राहुल से कौन से पता कौन है? अभी मंत्री तो कोई पता नहीं है, केंद्र का मोदी जी का है या राहुल इधर अशोक गहलोत का है राजस्थान में। इमरजेंसी मरीज हो ना, इमरजेंसी हो चाहे कोई भी हो, अभी एम्बुलेंस आए चाहे कोई भी आए, सबके लिए रास्ता बंद है। अभी एम्बुलेंस यहाँ तक पहुँचेगी नहीं, अगर एम्बुलेंस भी आएगी तो पीछे जाम में बस गिर रह जाएगी पीछे ही। अब आ गया, लेकिन अब मंत्री आ गया, मंत्री की गाड़ियाँ आने लग गई। मंत्री तो मुझे लगता है गहलोत है या केंद्र का है कोई। ये प्रताप नगर में पूरी तरह से ट्रैफिक बंद है। और अब इतनी देर हो गई मेरे को भी, लगभग 15 मिनट पहले हो गई, और अब मंत्री की गाड़ी आ रही है। ये मंत्री का काफिला निकल चुका है, निकल रहा है मंत्री का काफिला। कितनी गाड़ियां हैं एक साथ में मंत्री जी, ये इसी की वजह से यहाँ पर हजारों लोग परेशानी में इनका इंतज़ार करके खड़े हैं। और यह एम्बुलेंस भी है इनके साथ में, फायर वाली गाड़ियां भी है, और लगभग 1000 पुलिस वाले भी हैं, सब इनकी एक आदमी की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। मोदी भी नहीं है, यह तो कोई पता नहीं है कौन सा मंत्री है, लेकिन ऐसा इनका रोड रास्ता खाली किया जाता है पहले आने से पहले। अब
ये पुलिस वाले हैं, ये रास्ता खोल देंगे। अब लाडा गया और अब बराती निकलेंगे। अभी भी गाड़ी को निकलने नहीं दे रहे हैं, उधर सामने भी रोक रहे हैं। अभी जो पब्लिक आने लगी है इनको भी नहीं आने दे रही है।